तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकल रूप है। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है रिपीट। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हम कैसे ना क्या दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, और इस मूवी का जॉनर है क्राइम थ्रिलर। और इस मूवी को IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है श्रीनिवासन ने, और इस मूवी की कास्ट में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे, नवीन चंद्रा, मधु और अच्युत कुमार। और ये मूवी सच में मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। और इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है, और मूवी का कॉन्सेप्ट ना एकदम नया है। और आप जब इस मूवी को शुरू करोगे ना, तो ये मूवी शुरू कब होती है और खत्म कब होती है आपको यही पता नहीं चलेगा। और ये मूवी ना आपको फुल्ली इंटरटेन करती है, और पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है ना भाई, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और मूवी में ना भाई कुछ नया करने की कोशिश की गई है, और ये पूरी मूवी ना एक राइडर के इर्द गिर्द घूमती है। और मूवी अपने प्लॉट को लेकर ना एकदम सीरियस होती है। और अगर इस मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें ना, तो यार मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मूवी का सेकंड हाफ की बात करें ना, तो यार मूवी का सेकंड हाफ उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का भाई फर्स्ट हाफ है। और अगर इस मूवी की हिंदी डबिंग की बात करें ना, तो यार मूवी की हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है। इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है ना भाई, उसमें ना भाई कुछ ज्यादा अब्यूजिंग वर्ड कुछ ज्यादा डाले हुए हैं, और मूवी में आपको ट्विस्ट और टर्न्स बहुत देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी से कनेक्ट होने में ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मूवी में चल क्या रहा है आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा। और मूवी का सेटअप ना बहुत अच्छे से किया गया है। और इस मूवी की स्टोरी पे आना, तो मूवी में आपको एक राइटर देखने को मिलेगा जो भाई नॉवल लिखता है, और वो जो कुछ भी लिखता है ना, वो भाई सच में रियल हो जाता है, और उसी से रिलेटेड ना भाई सच्ची घटना ना घटने लग जाती है। और मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक पूजा नाम का कैरेक्टर होता है जिसका ना किडनैप हो जाता है। और जब पुलिस वालों को इस किडनैपिंग के बारे में पता चलता है ना, तो उनको ना एक ये आम किडनैपिंग लगती है। लेकिन जब इस केस के साथ ना भाई डीजीपी का नाम जुड़ता है ना, तो भाई कैसे भाई रातों रात ना भाई हल्ला हो जाता है, और ये ना एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और डीजीपी का जो कैरेक्टर ना, वो एक माँ का है, क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं, और उसने अपने पास में कुछ ऐसा क्या गलत किया है इसकी वजह से ना उसको ये दिन देखना पड़ रहा है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो मूवी में एक नवीन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो भाई बहुत ही दिलेर है, और उसने ना बहुत सारे केस सॉल्व कर दिए है, और वो कैसे भाई उसका नाम सजेस्ट करती है। और जब नवीन का कैरेक्टर इस केस को अपने हाथ में लेता है ना, तो भाई इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, और इस किडनैपिंग के पीछे भाई मास्टरमाइंड कौन होता है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और अगर मधु के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो वो एक डीजीपी है, और इस टाइम ना शहर में ना इलेक्शन चल रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ना भाई ये लोग ना बहुत बिजी रहते हैं। और डीजीपी का जो कैरेक्टर है ना, वो अपनी लड़की के किडनैपिंग केस के लिए किसको अपॉइंट करती है और उसका क्या रिएक्शन रहता है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। अगर इस मूवी के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो उसका नाम है अच्युत कुमार, जो एक ना पेशे से राइटर है, और वो जो कुछ भी लगता है ना, वो भाई सच में घटित होने लगता है, और वो तब लिखता है जब उसका मन करता है। और वो भाई पूरी मूवी में आपको सिर्फ दारू पीता हुआ दिखाई देगा। अच्युत कुमार ना हमेशा जो कुछ भी लिखता है ना, वो हमेशा सच होता है, इसके पीछे ना कोई प्लान या कोई साजिश होती है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। अगर इस मूवी के बैसन की बात करें ना, तो नवीन का कैरेक्टर जब भाई जंगल में जाता है ना, तो कैसे एक BMW उसको ना मारने की कोशिश करती है, और वो BMW ना भाई कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा होता है, और वो कैसे उस गाड़ी में घुसता है भाई, वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना, तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी ना, तो ये मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।